हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल के दौरान हुई प्रमुख नीति और कार्यों के बारे में पढ़ेंगे और उसकी महत्वपूर्ण ट्रिक देखेंगे। ये एक हिस्ट्री का टॉपिक है। जनरली हम जानते हैं कि कई गवर्नर जनरल हुए थे और उनके कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ है वारन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान बंगाल में द्वैत शासन का अंत हुआ था। लेकिन अब ये चीजें आपको याद रखने में दिक्कत आती है, तो आज हम इसकी एक बेहतरीन ट्रिक दिखाने वाले हैं। तो आप अंत तक पूरा वीडियो देखिए, आपको ये सारे नाम और उनके कार्यों की जो ट्रिक है वो अच्छे से याद हो जाएगी। तो देखें, सबसे पहले नंबर वन पर दिया है यहां पर वारन हेस्टिंग। अब चूंकि हम जानते हैं कि वारन हेस्टिंग के जो मुख्य कार्य है वो है बंगाल में द्वैत शासन का अंत, लेकिन अब इसे याद कैसे रखेंगे, तो इसकी एक ट्रिक है। सबसे पहले यहां देखें, द्वेध द्वेध का मतलब होता है दो विधि, दो कानून। और उनका क्या किया था इन्होंने, अंत किया था। तो दो विधि का अंत या दो अंत, इसको हम इन शॉर्ट में बना लेते हैं दांत। दो अंत दांत एक शब्द बना लिया इसके लिए, पूरे कार्य के लिए। और हैस्टिंग को हम यहां बना लेते हैं हंसते, है ना, यानी कि मुस्कुराना, स्माइल करना। तो दांतों का क्या काम है, दांत एक तो भोजन चबाने के काम आते हैं और यहां पर हंसते के काम आते हैं, हंसने के। तो वारेन हेस्टिंग को हमने मान लिया हंसते और द्वैत शासन के अंत को मान लिया दांत। तो यहां पर ट्रिक बन गई हंसते दांत। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि द्वैत शासन का अंत, तो वहां से आप ध्यान रखिए द्वैत के अंत से बनता है दांत, और दांतों का काम क्या है यहां पर, हंसना, हंसते। तो वारन हेस्टिंग उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, लॉर्ड कार्नवालिस। तो कार्नवालिस की मुख्य नीति में है स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। तो इसको याद कैसे रखेंगे, कार्न को हम मान लेते हैं कान, और स्थायी बंदोबस्त में से हम बंद शब्द उठा लेते हैं, तो कानों से सुना जाता है या कानों को हम बंद भी कर सकते हैं। तो वहां से इसकी ट्रिक बन गई है, कान को क्या कर सकते हैं, बंद। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान किया गया, तो बंदोबस्त में बंद शब्द आपको आएगा, तो बंद कैसे करना है, कान को करना है, यानी कि कार्नवालिस। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है ना। तो ये इसकी ट्रिक हो गई। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेजली। तो वेलेजली यहां पर हम देखेंगे क्या है, जली। जली माने बर्न, किसी चीज का या स्किन का कहीं पे जलना। जलता है तो दर्द होता है और दर्द को सहन करना पड़ता है, सहा। तो हमने क्या किया, जले को सहा या जला सहा। तो ये इसकी ट्रिक बन गई। तो कभी भी आपसे कहा पूछा जाए सहायक संधि, सहा क्या, सहा जला हुआ, तो वेले जली इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान क्या हुआ था मुख्य नीति में, राज्य हड़प नीति। अब देखिए, कोई भी राज्य को जब हड़पा जाता है, यानी कि उस पर जब कब्जा किया जाता है, तो कोई सेना करती है, किसी राजा की सेना करती है, और सेना में क्या होती हैं, सैनिक होती हैं, या हम उसको कहें फौजी होते हैं। तो डलहौजी को हम यहां मान लेंगे फौजी, और फौजी क्या करते हैं, किसी भी राज्य को हड़पते हैं। तो इसकी ये ट्रिक बन गई कि फौजी ने हड़पा, ठीक है ना। तो किसी भी राज्य को कौन हड़पते हैं, कोई राजा नहीं हड़पता, राजा की जो सेना होती है वो आक्रमण करके हड़पती है। तो फौजी ने हड़पा, डलहौजी राज्य हड़प नीति, यहां से याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखें लॉर्ड रिपन। तो रिपन के कार्यकाल के दौरान मुख्य नीति है स्थानीय स्वशासन। तो इसको हम याद रखेंगे, रिपन को आर माना, स्थानीय एस से स्टार्ट है तो एस माना, स्वशासन भी एस से स्टार्ट है तो एस माना। तो इसकी ट्रिक बन गई RSS, ठीक है ना। जनरली RSS का फुल फॉर्म राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ होता है, लेकिन यहां RSS का फुल फॉर्म बन जाएगा रिपन स्थानीय स्वशासन। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में स्थानीय स्वशासन किसके कार्यकाल के दौरान, R4 रिपन के, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन। यहां पर मुख्य कार्य है बंगाल विभाजन हुआ था इनके समय में। तो कर्जन यहां पर कर्ज का मतलब, यहां मान लेते हैं हम कर्जा, और जब किसी पर कर्जा होता है तो वो कैसा हो जाता है, कंगाल हो जाता है। तो बंगाल को हम यहां मान लेते हैं कंगाल,
ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक बन गई, कर्जा होगा तो क्या होगा, कंगाल होगा, कर्जा कंगाल। तो अगर आपसे पूछा जाता है बंगाल विभाजन, तो आप ध्यान रखिए कि बंगाल से बनेगा कंगाल, और कोई कंगाल हुआ है तो क्यों हुआ है, क्योंकि उसमें कर्जा था, तो बन गया लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है विलियम बेंटिक, और उनके कार्यकाल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चीज है सती प्रथा पर रोक। तो देखिए सती कौन होता है, सती कोई ना कोई महिला होती है जिस महिला का विवाह के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो सती प्रथा में उसको जला दिया जाता है, तो कोई ना कोई महिला होती है, और यहां बेंटिक से बनेगा बेटी, वही महिला किसी न किसी की बेटी होती है, तो सती कौन हुआ, बेटी। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सती प्रथा पर रोक, तो सती से बना यहां पर बेटी, और बेटी से बना बेंटिक, विलियम बेंटिक इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट हम देखें महत्वपूर्ण है, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो यहां से लॉर्ड डफरिन से निकल के आ रहा है डफर, डफर का मतलब हम जानते हैं बेवकूफ, है ना। तो मान लीजिए लॉर्ड डफरिन बेवकूफ थे, जबकि उनके कार्यकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण पार्टी की स्थापना हुई थी कांग्रेस की, जिसमें कई एक बुद्धिमान लोग थे, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तो कई एक बुद्धिमान लोग थे, और जबकि ये लॉर्ड डफरिन यहां से निकल के आ रहा है डफर, तो इसका अपोजिट हो गया कि डफर के कार्यकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण पार्टी की स्थापना हुई। तो यहां से आपको याद हो गए होंगे, एक बार इनको चेक कर लेते हैं कि आपको याद हुए हैं या नहीं हुए हैं। देखिए अगर हमसे पूछा जाए कि द्वेद शासन का अंत, तो हम द्वेद अंत से बनाएंगे दांत, और दांत क्या होते हैं, हंसते हैं, तो ये किसके कार्यकाल के दौरान हो गया, हेस्टिंग के, वारेन हेस्टिंग। स्थायी बंदोबस्त, अब बंदोबस्त से बना बंद, तो किसके कार्यकाल के दौरान, बंद क्या होती है, कान, तो कार्नवालिस के कार्यकाल के दौरान, ठीक है ना। सहायक संधि, सहा क्या सहा, जला हुआ, तो वेलेजली। राज्य हड़प नीति, हड़पता कौन है, फौजी, तो डलहौजी, ये इसका आंसर हो गया। स्थानीय सुशासन, एसएस है, तो ये पूरा बनता है आरएसएस, आर से बनेगा रिपन, तो लॉर्ड रिपन इसका आंसर। बंगाल विभाजन, तो बंगाल से बना कंगाल, कंगाल कौन होता है, जिसपे कर्जा हो, यानी कि कर्जन, लॉर्ड कर्जन। सती प्रथा पर, तो सती कौन होगी यहां पर, बेटी, बेटी से बनेगा बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और कांग्रेस की स्थापना, तो ये होती है लॉर्ड डफरिन, ठीक है ना, क्योंकि कांग्रेस में कई बुद्धिमान लोग थे, महत्वपूर्ण पार्टी थी, और बुद्धिमान का यहाँ इनवर्स बनेगा डफर, अपोजिट डफर बनेगा, और डफर से डफरिन। तो यहां से उम्मीद है आपको ये सारे नाम और उनके कार्य के दौरान हुई महत्वपूर्ण नीति यहां पर आपको आसानी से याद हो गई होंगी, अब आपको बिल्कुल भी रिविजन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्त जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक आप जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट जरूर मिलती रहे। तो थैंक यू, गुड बाय।